बिल्कुल। जावा में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कल के लिए। राज हो गया पढ़ाई जावा की है? जावा में सुनो, अब है जैसे सी में हम लोग यूज करते हैं कुछ चीज को प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट एफ सॉरी, तो जावा में क्या यूज करेंगे? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और प्रिंट करना ब्रैकेट अंदर डबल स्लैश system.out.println डॉट println एक साथ है। यस सर साथ में सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, println क्या है मिस्टर मनसुख? हैं अभी क्लास है ना तू मिस्टर अभय? देना है सिद्ध कुमार आया था पिछली क्लास में। यस हाँ मैं क्या क्वेश्चन पूछा, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन, तीनों तीन चीज है यस क्या है? आउट सर जैसे आउटपुट के लिए क्या फंक्शन है, मेथड है, वेरिएबल है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट आउट इज ए प्रिंट एलन क्या है, व्हाट इज ए प्रिंट एलन? मेरी क्वेश्चन समझ जाओ ना, कोई डाउट ही नहीं है, डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रिंट एलन क्या है? सिस्टम क्लास सर ऑब्जेक्ट प्रिंटर सर मेथड, जावा में मेथड बोलते हैं, जावा में क्या बोलते हैं, मेथड प्रिंट फंक्शन बोलते हैं सी में, सी प्लस प्लस में, यानी जावा में क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। अच्छा जावा में हम किसी प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे? जावा हमने प्रोग्राम लिखा क्लास अभय, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एआरजीएस, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो अभय हाउ आर यू, ठीक है, इसको किस नाम से सेव करेंगे? इसको कोई नाम से सेव कर सकते हैं। अगर पब्लिक लगाया है तो क्लास और अभय लिखते हैं तो सिर्फ अभय से सेव ये क्या बोला, क्लास अभय, फिर पब्लिक करेंगे। स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एज यस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, इसको किस नाम से सेव करेंगे? इसको किसी नाम से सेव कर सकते हैं। लास्ट नाम तब सेव करते हैं सर जब क्लास को पहले पब्लिक लगा रहता है। बता दिया ये सब चीजें तो मैं बता रहा हूँ, बच्चों वाली बातें सीख लिए बड़े होके। सुन लास्ट जो नाम था वो नाम और सेक्शन बना के डॉट जाओ नाम लिए से पढ़ ले यस इज राइट, सर बोले बट पब्लिक रहेगा तब क्लास के नाम से सेव करेंगे पब्लिक नहीं रहेगा तब अदर नाम से सेव कर सकते नहीं क्लास मैंने नाम भी से देखा करो। है हैं मैंने भी देखा है ऐसा बात है राजवर्मा? मिस्टर अभय इज टेलिंग दैट इज राइट, आपने भी क्लास किया होगा क्या, मिस्टर अभय इज राइट दैट इज पॉइंट और नॉट? सर क्वेश्चन उठा था क्लास में तो सर क्या वही नाम से सेव कर सकते और कोई नाम से नहीं कर सकते तब सर बताया कि बोलता सर पब्लिक लिखा हुआ है उसमें सर बताया कि पब्लिक लिखा हुआ है तो जो नाम से उसी से करेंगे अगर रन कराते हैं तो उस नाम से नहीं वही रन शो होगा जैसे पब्लिक क्लास सी में लिखा हुआ है तो अगर उसको दूसरा नाम से फाइल सेव करते हैं कॉलेज नाम से तब उसको रन कराएंगे तो एरर आएगा पब्लिक ले रहेगा तो सिर्फ क्लास और सी में रहेगा सी में नाम से या अदर नाम से देंगे क्या क्लास मैंने बताया, ठीक है पब्लिक मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं पब्लिक नहीं लगा, मैंने लिखा क्लास अभय, उसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, फिर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो, आप इसको किस नाम से सेव करेंगे? किसी नाम से सकता है ये सब बताया है सर मेनली तो वही नाम से सेव करेंगे मेनली करेंगे बट कर किसी सकते नाम हैं से कैसे करेंगे बताओ, कर सकते कैसे हैं करेंगे, कैसे करेंगे, तुम ये चीज हमको दिखा देना, कर तुमको मिठाई खिला देंगे। दीजिए ना
प्रेम जेडी के इंस्टॉल नहीं है, तुम करके दिखा देना, मैं तुम्हें मिठाई खिला दूंगा लाके, मैं तुम्हें बधाई दे दूंगा, नहीं होता। तो जिस नाम से क्लास बना है उसी नाम से सेव होगा। अब एक चीज है अभय पवन देशमुख, एक क्लास मैंने बनाया क्लास अमित, क्या बनाया तीन ही बच्चे हो तो इसे पढ़ा देते तो अच्छा ज्यादा रहेगा, और भी पढ़ते नहीं क्या तीनों आगे आ जाते इसमें होता है कहाँ फिर यहाँ से शेयर कीजिए व्हाइट बोर्ड हो गया यहाँ पे आपको मार्कर वो दोनों देगा यहाँ आप यूज कर सकते हैं क्रिएट कर दें सोच कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा क्लास, क्या लिखा क्लास, ध्यान देना क्लास, मैंने क्लास का पहला लेटर बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए इसमें बोलता हूँ। तुम लोग कितने निलेश सर ले चुके हैं, एक ही क्लास में तो हम बता रहे हैं एक क्लास हुआ और सर उसमें माइक्रोकंट्रोलर स्ट्रीम और सिस्टम लिखते हैं उसमें कैपिटल लिखना इसमें तो स्मॉली अभी तक देख रहे हैं। देखो क्लास अमित देखो जा मनसुख ठीक है ठीक है डाउट इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे मनसुख दिख रहा ब्लैक बोर्ड पे दूर देखने की जरूरत नहीं है क्लास अमित पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नेस्टिंग आरजीएस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाउ आर यू हेलो हाउ आर यू किस नाम से सेव करेंगे इसको किस नाम से करेंगे अमित डॉट जावा। हाँ और मेरा क्वेश्चन अब सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन प्रॉब्लम है आ जाएगा ना हाँ इस क्लास का ध्यान दो इस क्लास का जो सी होगा मोबाइल पर ध्यान दोगे दिक्कत होगी इस क्लास का जो सी है ये स्मॉल होगा या कैपिटल होगा ऑलवेज क्लास का सी स्मॉल होगा कि कैपिटल अभय
सिद्ध कुमार सर, क्लास का सी स्मॉल होगा कैपिटल होगा? सिद्ध कुमार मनसुख बताइए दोनों लोग। कैपिटल होगा सर, सिड ने बोला कैपिटल होगा। अब है राज, अभी तक नहीं, ये बातें मत बोलो। हमेशा और हमेशा स्मॉल, हमेशा और हमेशा अभी तक नहीं और कभी तक नहीं, हमेशा स्मॉल होगा क्लास का सी। कभी बड़ा मत दे देना नहीं तो प्रोग्राम एरर मार देगा। ये प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है जो जावा बनाया है, जिसने जावा बनाया है उसने ये फीचर्स दिया है कि क्लास का सी हमेशा स्मॉल रहेगा। हमने आपने नहीं बनाया है, ए मैन ए टीम हु हैज क्रिएटेड, ही हैज गिवन फीचर्स दैट ऑलवेज सी शुड बी स्मॉल। अब मैंने अमित लिखा, ए कैपिटल होगा या स्मॉल, इस पर चर्चा का विषय होगा। पहले बताओ तुम, पहला लेटर जैसे क्लास का पहला लेटर हमेशा स्मॉल ही रहेगा, बड़ा लिख दिए तो मिस्टेक हो जाएगा। ये क्लास नेम है अमित, अमित का पहला लेटर बड़ा होगा या छोटा? अब है पवन देशमुख, सी रोल नंबर 10 कैपिटल होगा सर अमित। कैपिटल होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम लोग कैपिटल बनाते हैं, ऐसा रूल बुक नहीं है। जैसे क्लास में सी हमेशा स्मॉल होना है, ये क्लास नेम के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कोडिंग कन्वेंशन, एक होता कोडिंग कन्वेंशन स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ द कोडिंग, कि हम उसको कैपिटल ही बनाते हैं, उसको हम कैपिटल बनाने का कोशिश करते हैं। कैपिटल क्यों करते हैं, एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है। ये रूल नहीं है कि क्लास का नेम कैपिटल होगा, लेकिन हम लोग कैपिटल बनाते हैं, ऐसा क्यों? क्या करने में? वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा पॉइंट बताओ, बहुत सही पॉइंट बोला उसमें। और एक जावा के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर 10 क्लास बन गया। आपने कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने 10 क्लास बनाए, 20 क्लास बनाए, 50 क्लास, 100 क्लास बन गया, बनता है 100 से ऊपर बनता है, तो 200 क्लास बनता है। ERP एप्लीकेशन में 200-250 क्लास तक बनता है। अब कंपनी छोड़ के चले गए, हजारों लाइन का कोड रखा हुआ है, नया प्रोग्रामर आया, कैसे समझेगा इसमें क्लास कौन कौन सा है? इसीलिए कोडिंग कन्वेंशन होता है क्लास नेम फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट कोडिंग कन्वेंशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, बाद में लोगों को समझने के लिए उसे हम कैपिटल करते हैं। अब चलें, चलें आगे। स्मॉल से क्या दिक्कत होगा, खूब कर दो स्मॉल। आंखों को क्या चीज समझ में आती है, क्लास अमित एक ऐसे लिखे, एक अमित ऐसे लिखे, कौन ज्यादा समझ में आता है? हैं? क्या भाई, इंग्लिश समझने के लिए कोडिंग कन्वेंशन है कि हम इसको कैपिटल ही लिखेंगे, तुम अगर स्मॉल लिख दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोडिंग का स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, हम मना कब कर रहे हैं, हैं? मना कब कर रहे हैं कि नहीं लिखा जा सकता। अब ये हो गया, जावा का रूल बुक है कि स्टैंडर्ड कोडिंग कन्वेंशन का, यहाँ यही पढ़ के तुम्हारा जीवन चलेगा, नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी में जाओगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा, बेटा स्मॉल नहीं कैपिटल लिखिए फर्स्ट लेटर,
कंपलसरी नहीं है, जैसे क्लास के आगे सी लगाना स्मॉल होगा ही होगा, वो कंपलसरी है, क्लास नेम के आगे कंपलसरी नहीं है, कोडिंग कन्वेंशन है, तरीका है, तरीका है, नहीं समझे? बताओ अभय, बताओ जैसे नहीं समझे, भाई तुम चले गए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, तुमने उस क्लास को बनाया था, सामने वाला आएगा तो जो मेथड नेम होता है स्मॉल में लिखा होता है, वो कंफ्यूज कर जाएगा कि मेथड नेम है कि क्लास नेम है, समझे बात? नहीं समझे? समझाओ अच्छा से, थोड़ा क्यों बोल, तो बोलो पूरा समझे। हाँ, अब जावा के कंपाइलर का क्या नाम है पवन? जावा सी। इस प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया amit.java नाम से, जहां भी करना चाहें, जहां भी जगह है। इस प्रोग्राम को हम चाहेंगे तो कंपाइल कैसे करेंगे, पवन बताएगा। amit.java, amit मेरे प्रोग्राम का नाम है, .java एक्सटेंशन है। कंपाइल कैसे करेंगे पवन देशमुख? सी में कैसे कंपाइल करते हो? सी पढ़ रहे होगे ना? सी कैसे कंपाइल करते, जिसे सी का प्रोग्राम है, पहले बात बताओ सी को कंपाइल करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हो? नहीं वो सब छोड़ो, कैसे करते हो? Alt+F9, Alt+F9 सी को कंपाइल किए, सी को रन कैसे करते हैं? Ctrl+F9। अब जावा का ही प्रोग्राम है amit.java, ये पूरा मत समझ लेना, amit.java प्रोग्राम का नाम amit है, .java एक्सटेंशन है। अब कंपाइल करेंगे तो कैसे करेंगे amit को? कैसा जवाब दे? तो जावा सी कंपाइलर का नाम है, नहीं वो तो छोड़ो, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा सी amit.java। और रन कैसे कराते हैं? कंपाइल हमने करा दिया, रन मतलब इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो पवन नहीं समझे बात, पवन अच्छा समझा उसको थोड़ा। कैसे कराते हैं वही तो पूछ हम रहे हैं। जावा, जावा इज ए इंटरप्रेटर, जावा इज ए लॉन्चर, लोग जावा को इंटरप्रेटर भी बोलते हो, जावा इज ए लॉन्चर, तो जावा amit, बस जावा amit। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइल करने के बाद जावा, जावा सी प्रोग्राम नेम और जावा जब हम कर देते हैं तो प्रोग्राम कंपाइल कर जाता है, कंपाइल होने के बाद कौन सा कोड बनता है? इसके बाद राज, राजकर मनसुख जावा, हाँ उसको क्या बोलते हैं? राज बाइट कोड, क्या पूछा?
जो सोर्स कोड आपने लिखा व्हाट एवर यू हैव रिटेन उसको जब कन्वर्ट किए जावा से कंपाइलेशन मेथड के द्वारा जब उसको कन्वर्ट किए तो किसने बदलता है डॉट क्लास डॉट उसको बोलते हैं बाइट कोड भी और मैजिक कोड भी बाइट कोड भी और मैजिक कोड भी दो नाम है उसका बाइट कोड और और जब बाइट कोड और मैजिक कोड क्या ह्यूमन रीडेबल होता हम आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते पवन देशमुख जो कंपाइल होने के बाद जो जावा का कोड आता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है कि ह्यूमन रीडेबल मतलब समझ लो जिसको मनुष्य पढ़ सकता कि नहीं समझ सकता कि नहीं यस ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट बाइट कोड लेकिन जैसे अब उसको इंटरप्रेट किए जैसे अब उसको रन किए आपका आउटपुट आ गया उसको आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है क्या पूछो बोलो यहाँ तो कैसे खोलते हैं पहले मोर को खोले ना नहीं अब क्या करें और कुछ नहीं ना नहीं बस तो क्लिक किया मैंने लिखा क्लास अब है पीएस वीएम लिखने काम चल जाएगा पब्लिक स्टेट डिपार्टमेंट पूरा लिखा है स्ट्रिंग का यस बड़ा लिखते हैं कि छोटा लिखते हैं मनसुख सुस्ती आओ मत स्ट्रिंग या जीएस हाँ स्ट्रिंग का मनसुख यस बड़ा होगा कि छोटा होगा इस स्ट्रिंग यस यही सब काम आएगा बाकी चीज तो तुम समझ ही लोगे क्लास में तो तुम गर्दा उड़ा दोगे यही सब चीज फंसोगे स्ट्रिंग का यस बड़ा होगा या छोटा क्यों कैप्टन होगा ठीक है दोनों सही बोले क्यों होगा स्ट्रिंग का यस इसलिए कैपिटल लिखते हैं कि स्ट्रिंग इज ए क्लास इन जावा स्ट्रिंग इज ए क्लास इन जावा अब आप लोग समझते होंगे क्लास दो प्रकार का बनता अब थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ रही होगी जब मैंने बोला आप लोग को क्लास अभय का ए बड़ा होना चाहिए तुम लोग जिद पकड़ लिए क्यों बड़ा जो प्रीडिफाइंड क्लासेज है
जो जावा बनाया है, सो क्लासेज हमको दिया है जावा बना के, वो सब क्या है? जो जावा ने हमें क्लासेज बना के दी है प्री डिफाइंड, वो क्या है? क्या है जावा जो प्री डिफाइंड क्लास हमें बना के दिया, सब हमें कैपिटल में दिया, सिस्टम कैपिटल में लिखना है या स्ट्रिंग कैपिटल में लिखना है। तो आप जब जावा हमें जो बना के दिया वहां कैपिटल दिया, कोडिंग कन्वेंशन है ना, अगर छोटा होगा तो एरर मार देगा। तो हम अगर बनाए क्लास तो उसमें मैंने यही तो बोला फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो जावा का जो कन्वेंशन है उसी को तो हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, कंपाइलर का नाम जावा, इंटरप्रेटर का नाम जावा। कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाना है, मेन ब्रांच या फिन ब्रांच, नो। ये सब झोल झकाल नहीं बताओ हमको। अब बताओ क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन चीज ये क्वेश्चन आएगा। कहीं नहीं जाना मेन ब्रांच, तो 6 बजे तक खुला रहता है। क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास बंद हो जाता है। क्लास होता क्या है, जैसे आपसे ने पूछा, ठीक है आपने बोला जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है, तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा आपका कहाँ रहेगा? प्लीज राज और मंसूर, ठीक है तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया। अब पहले उस पॉइंट पे बाद में आएंगे, मनसुख अभी जाना नहीं है। अब मैं लिख दिया सिस्टम और क्या है, मैं पूछ रहा हूँ क्लास अब है क्लास सबमिट। मैं लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये मनसुख के लिए सवाल तैयार हो रहा है, इसको बहुत जाना है घर बाहर, पढ़ना है नहीं जाते हैं रसीद कटाते। अभी तुम हम शाम तक बैठेंगे, 7 बजे तक हम बैठेंगे, तुम समझो देते ना, समझे नहीं जाना है। इतना फीस देते हो कल बैठने के लिए, कुछ सीखने के लिए आते हो कैसे? पापा मम्मी मेहनत करते करते पेट दुखा गया हो रहा, पापा मम्मी के बारे में सोचो। हाँ, हमने कितने क्लासेस में बना लिए प्रोग्राम में? तीन क्लास है। क्या क्या नाम है इस प्रोग्राम को? तीन क्लास है। कितना है? किस नाम से सेव करेंगे? तुम बताओ राज। सर अभय से सेव, अभय से तो सेव करेंगे, बाकी अमित सुमित से क्यों नहीं करेंगे? सर मैं इसमें माइनस, एक जावा के अंदर आप 10 क्लास बना लो, 2 क्लास बना लो, 1 से ज्यादा बना लो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है उसी नाम से प्रोग्राम होगा, उसी नाम से प्रोग्राम सेव होगा। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करा देंगे तो कितना डॉट क्लास फाइल बनेगा, मतलब मैजिक कोड में कितना कैसा बनेगा?
मैजिक कोड जितने क्लास हैं उतने बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा भविष्य के लिए। जब से मैजिक कोड कितने बनेंगे, जितने क्लास है उतने बनेंगे। लेकिन किस नाम से सेव होगा, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, उसी के नाम से सेव। डाउट डाउट है ना, कंपाइल और रन ठीक है। अभय वो बाबा सीखो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, जो सिखाने आए हैं। रसीद कटाना होगा ही ना होगा वहाँ, सुबह 10-8 बजे तुम डायरेक्ट मैडम से मिलो, डायरेक्टर मैम से। दमे खम दम नहीं है, क्यों नहीं देगा? आई हैव ए प्रॉब्लम, यू आर ए स्टूडेंट। सर तो वो लोग खुद ही काम करने जाते हैं कि मैम नहीं है। जब अपनी बातों को मैम से, जब गए आप रिसेप्शन पे, आई हैव दिस जॉब, आपका काम सहूलियत तरीके से होगा। इसका कैसे हो जाता है ये? ठीक है, चल जाना। हाँ तो इसको किस नाम से सेव किए, इसमें कितना डॉट क्लास फाइल बनेगा, 3, जितने क्लास उतना मैजिक कोड उतनी डॉट क्लास फाइल। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये हो गया मेथड प्रिंटेलन, मेथड सिस्टम क्या है इसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेलन, मनसुख बताओ तीनों चीजें हैं क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट, तीनों तीन चीज है, सिस्टम इज ए प्रीडिफाइंड क्लास, प्रीडिफाइंड क्लास जिसको हमने नहीं बनाया है, जावा की टीम ने बनाया है। आउट क्या है? ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट। प्रिंटेलन क्या है? मेथड, ठीक है, समझ गए। अब मैं पूछा था क्लास और ऑब्जेक्ट, तो बताएगा कि मैं बताऊं? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ, क्लास इज जस्ट ए ब्लू प्रिंट, क्लास इज जस्ट ए ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट का मतलब हमने कहा कि एक 4-lane सड़क निकलनी है, रेलवे लाइन बननी है, तो पॉइंट पेन और पेपर पे तैयार हो गया, पटना से चलेगी ऐसे 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 जाएगी, दैट इज कॉल्ड ए ब्लू प्रिंट। या एक मकान बनना है, मकान का नक्शा बन जाता है, यहाँ टैप, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ पूजा घर होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, तो जो नक्शा है दैट इज ए ब्लूप्रिंट, दैट इज ए ब्लूप्रिंट। कि हम सोचे कि ऐसा होगा, और मैं बताता हूं, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स। अब है ऑब्जेक्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, क्लास एक आपकी सोच है, ऑब्जेक्ट उसकी रियलिटी है, ऑब्जेक्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है देख लो, कौन सा क्लास है हमारे पास? अभय अभय अभय, बस इतना सा काम करना, अभय A1 इक्वल टू न्यू न्यू अभय ब्रैकेट दिए सेमी हो गया। अब हम आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई वेरिएबल है मान लीजिए इस क्लास के अंदर, इसके अंदर कोई वेरिएबल है मान लेते हैं इसके अंदर एक वेरिएबल है इंट ए कॉमा इंट ए कॉमा इंट बी, हो सकता है पाइथन में तो फैसिलिटी है वो, इंट ए कॉमा बी सी जितना लिखना लिख लो, ठीक है ए कॉमा बी सेमी कॉलन दे दें, दे दिए।
अब हमको यूज करना है इसको, कैसे करेंगे? ए वन डॉट ए इक्वल टू 20, हमने उस ऑब्जेक्ट में कितना वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, 20। दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ए वन डॉट बी इक्वल टू 9 कर दिया। देखो जब तक हम क्लास बना रखे थे मेमोरी में कोई स्पेस ले रहा था, किताब ध्यान से देखना है चीज गंभीरता से, हमने क्लास अभय बनाया था तब तक मेमोरी में कोई स्पेस लिया? जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो ले लिया 20, तो मतलब इंटीजर, वहां इंटीजर है, यहां से एक्सेस किया कि किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर। तो इंटीजर जावा में कितना लेता है? जावा में 4 कैरेक्टर। जावा में कितना लेता है मनसुख? मनसुख 2 लेता है। कितना लेता है? C++ से जस्ट डबल हो जाता है जावा में डेटा टाइप कैपेसिटी, क्या होता है? डबल हो जाता है। तो अब ऑब्जेक्ट बना दिए, तो मैंने आपकी मम्मी ने कहा मनसुख जाओ मार्केट से वेजिटेबल ले आओ। क्या कहा मम्मी ने? जाओ मार्केट से वेजिटेबल ले आओ। तुमने पूछा मम्मा क्या लाऊं मैं, मम्मा क्या मैं लाऊं? क्या दुकानदार के पास गए कि भैया मुझे वेजिटेबल तो पूछेगा ना, व्हाट डू वांट, कि दे देगा, व्हाट डू वांट, तब आपको देगा। आलू है, गोभी है, पत्ता गोभी है, कैरेट है, गाजर है, मूली है। तो ये क्या हुई? आलू गोभी पत्ता गोभी और गाजर, ये ऑब्जेक्ट हो गए किसके? वेजिटेबल के। क्लास क्या हुआ? वेजिटेबल। मैंने क्लास बनाई फ्रूट्स। आपसे घर में किसी ने बोला जाके मार्केट से फ्रूट ले आओ, दुकानदार के पास थैला ऐसे पहुंचाता है फ्रूट डाल दो, डालेगा वो? आपको डिफाइन करना होगा, यू वांट पपाया, यू वांट गुआवा, यू वांट ऑरेंज, यू वांट एप्पल, यू वांट ग्रेप्स, कैसे डाल देगा? तो ये सब ऑब्जेक्ट हुए। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हुए सिमिलर टाइप्स, वो क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए, ऑब्जेक्ट हुए। और क्लास कौन सा हुआ? फ्रूट वेजिटेबल। अब गए दुकान पर, मुझे दाल दे दो, पूछेगा भैया कौन सा दाल चाहिए आपको? चना चाहिए, अरहर चाहिए, मसूर चाहिए, मूंग चाहिए, कैसी दे देता है? पूछता है। तो क्या हुआ? पल्सेज आर दी क्लासेज, और जो दाल के टाइप्स हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्लास अभय है, तो अभय का A1 ऑब्जेक्ट है, A2 है, A3 है, A4, जितना ऑब्जेक्ट चाहे हम, जितना हमको प्रोजेक्ट में प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम बना लेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट बना तो फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में जगह लेना घप घप शुरू कर दिया। लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है मेमोरी में कोई जगह। और एक चीज वो पढ़ाएगा कंस्ट्रक्टर, उसको बता दें कि तुमको निकलना है जल्दी। ठीक है, तो इंड करो, लेकर रखे रहना, मांगेंगे क्योंकि वन ड्राइव क्रैश। सीड कुमार है, बस बस पवन देशमुख है, उसका लिख लो ना नाम, देशमुख का नाम लिखो। वो बच्ची सबका है, चलिए राज।